हेलो गाइज अच्छे होंगे आप सब इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं संधि का टॉपिक दोस्तों संधि का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें से बहुत सारे हमारे प्रश्न बनते हैं अब आपको हम जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो लेकर आएंगे जैसे संधि है समास है कारक है और प्रत्यय है ठीक है इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं वो हम लास्ट में आपको करवा देंगे तो सिलेबस आपको पूरा करवाएंगे ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं इसलिए हमारी पूरी वीडियो देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें अच्छा लगेगा और वीडियो को लाइक किया करें और कोई भी सवाल रहता है कोई डाउट रहता है कोई प्रॉब्लम आपकी दिखती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा देखिए टॉपिक रहेगा हमारा संधि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि संधि क्या होती है संधि कहाँ पर होती है संधि किस तरह से हम करते हैं इसके अलावा संधि की क्या परिभाषा हो सकती है संधि की पहचान कैसे करते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं ये सारी जो बातें हैं वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगी इसके अलावा इसमें हम स्वर संधि जो है उसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे पहली संधि ठीक है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मित्रों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा संधि शब्द है इस संधि शब्द की व्युत्पत्ति किस तरह से होती है इसी को हम सबसे पहले जान लेते हैं देखिए जो संधि शब्द आपको दिखाई दे रहा है या फिर आपको सुनने में आ रहा है वो आपको लग रहा होगा यार संधि यानी कि स्त्रीलिंग का शब्द है जबकि ऐसा नहीं है मित्रों संस्कृत के अंदर हमारे नियम चलते हैं अंदाजा नहीं चलता तो इसको हम एक बार अलग अलग करते हैं देखो इसके अंदर सम उपसर्ग है बच्चों सम उपसर्ग उपसर्ग आप जानते होंगे धातु से पहले जुड़ता है ठीक है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है तो सम उपसर्ग हो गया सम धा और इसमें धा धातु है धा ठीक है डू धातु है लेकिन इसमें धा हम ले रहे धा सम और धा धातु इसके बाद में इसमें लास्ट में प्रत्यय लगा हुआ है की प्रत्यय हमने कहा कि धातु के बाद में प्रत्यय होता है तो ये तो हो गया हमारा सम तो उपसर्ग हो गया और की हमारा प्रत्यय हो गया इन सबको यदि हम जोड़ते हैं बच्चों तो जोड़ने पर हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा संधि ही इस तरीका से क्या बनेगा संधि ठीक है ये एक लंबी प्रोसेस होती है आपने जैसे बी ए इत्यादि में पढ़ा होगा संधि की सिद्धियां होती हैं या फिर शब्द रूपों की सिद्धियां होती हैं उस प्रोसेस के अंतर्गत हम ये सब सीखते हैं या फिर आप अब देखिए दोस्तों हमने देखो यहां पर अलग अलग करके बता दिया समोपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय बन गया हमारा संधि अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जिस भी धातु में की प्रत्यय लगता है उस धातु से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो पुल्लिंग शब्द होते हैं ये हमारे संस्कृत व्याकरण का नियम है तो इसी नियम के आधार पर यहां पर हमारी जो संधि है मतलब संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग होगा ना कि स्त्रीलिंग सुनने से हमें लग रहा होगा यार संधि तो स्त्रीलिंग है लेकिन ऐसा नहीं है यदि सवाल पूछा भी जाता है कि संधि शब्द किस लिंग का है तो आपको इसे पुल्लिंग बताना है क्योंकि लिंग वचन वाला टॉपिक आपके इसमें सिलेबस में चलता है इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों ठीक है तो इस तरीका से आप समझ गए सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय बराबर संधि और पुल्लिंग शब्द है क्योंकि की प्रत्यय लगने से पुल्लिंग शब्द बनते हैं ये हमारी यहां तक की जानकारी हो जाती है अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए आगे आपको हम बताते हैं हैं कि भाई संधि होती क्या है तो संधि की मैं कुछ परिभाषा लिख रहा हूं उसके बाद में हम उनके बारे में बात करेंगे संधि संधि का मतलब होता है जोड़ना या फिर हम कह सकते हैं मेल करना या हम कह सकते हैं जैसे आपने सुना होगा पहले जो राजा महाराजा होते थे उनमें आपस में संधि हो जाती थी ठीक है संधि हो जाती थी ठीक है तो सेम इसी तरीका से हम यहां पर वर्णों में संधि करेंगे किसमें करेंगे वर्णों के मध्य हम संधि करेंगे वर्ण आपने परिभाषा हिंदी में भी सुनी होगी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं वो ही परिभाषा हमें यहां पर समझनी है उसको प्रैक्टिकली समझना है वो तो आपने रट्टा लगा के याद की थी लेकिन आज उसको प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये परिभाषा है कैसे देखिए मैं यहां पर कुछ परिभाषा लिख रहा हूं आपके सामने देखिए सबसे पहले है वर्ण संधानम संधि एक परिभाषा तो यह हो जाती है वर्ण संधानम संधि दूसरी परिभाषा वर्णानाम मेलनम संधि ठीक है इसके बाद में अगली परिभाषा है देखो वर्णागमादेश वर्ण विकारा वा संधि देखिए एक बार सुनो वर्ण आगम आदेश वर्णविकाराह वा संधि ही ये एक हमारी परिभाषा हो जाती है तो इस तरीका से देखो हमने यहां लिखा भी वर्णागमादेश वर्ण विकारा वा संधि ही ठीक है इसके बाद में जो सर्वसम्मत है परिभाषा वो मैं अब लिख रहा हूं लास्ट में ठीक है जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है पर सन्नी करश संहिता देखिए ये लास्ट वाली जो परिभाषा हमने लिखी है ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक है यानी कि सबसे ज्यादा वैलिड है क्योंकि ये हमारी संस्कृत व्याकरण की परिभाषा है अब चलिए हम इनको एक एक को देख लेते हैं सबसे पहले लिखा वर्ण संधानम संधि इसका मतलब होता है कि वर्णों का जो आपस में संधान होता है वर्णों का आपस में जो मिलाना होता है उसी का नाम संधि है ठीक है वर्णों को मिला दिया तो संधि हो जाती है कैसे होती है कैसे वर्ण मिलाते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी प्रैक्टिकली उदाहरण से जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं यहां पर जैसे सबसे प्रसिद्ध और सरल उदाहरण है हमारा विद्याधन आलय है ठीक है अब यहां पर देखेंगे बच्चों यहां पर आ है और इधर भी आ है इनको हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीका से तो यहां देखो आ और इधर आ अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ठीक है ये दोनों आपस में क्या है मिल जाएंगे तो मिल करके ये आ हो जाता है मतलब दीर्घ आ बनता है ये संधि का नियम है दीर्घ संधि का ऐसे सभी संधियों के अलग अलग नियम होते हैं अब तो हमने देखो यहां क्या किया वर्णों का संधान ही तो किया है यहां पर वर्णों को हमने संधान कर दिया जोड़ दिया ऐसे ही नाम तो का मेल कर दिया तो सेम स्थिति बन गई वर्णों का मेल करना भी संधि है ठीक है इसके अलावा वर्ण आगम आदेश वर्ण विकार वह संधि ठीक है वर्ण वर्ण का आगम होना आदेश होना वर्ण विकार होना ये सब संधि है मतलब देखिए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल होने पर एक विकार उत्पन्न होता है विकार उत्पन्न होता है वही संधि है आपको पता है जब हम मिलाएंगे आपस में तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा एक विकृति उत्पन्न होगी जैसे आ और आ को दोनों को मिलाने पर हमारा आ बन गया यानी कि दोनों के स्थान पर एक बन गया आप जैसे कि एक उदाहरण और देखें जैसे सुधन आगतम अब इस कंडीशन में ऊ जो दिखाई दे रहा है ये उ हमारा बदल जाता है भैया वे में ऊ का हमारा वे बन जाता है और इस तरीका से बन जाता है ये अब आप देखेंगे यहां पर ऊ हमारा वे में बदल गया तो ये एक प्रकार से विकार है विकृति उत्पन्न हो गई जैसे आपके पास दूध था आपने उसमें थोड़ा सा जामन दिया मतलब उसमें आपने दही थोड़ा सा डाल दिया तो वो पूरा का पूरा दूध आपका दही बन जाता है मतलब उसकी प्रकृति चेंज हो चुकी है तो उसको हम कहेंगे भैया उसका रूप बदल गया यानी कि उसमें विकार आ गया सेम कंडीशन यहाँ पर है यहां हमने ऊ के स्थान पर वे कर दिया तो यहाँ पर भी वर्ण का विकार हो गया इसको कहते हैं विकार आप लकड़ी लाए पेड़ से काट के और उसमें से खूंटा बना दिया खूंटे को मिट्टी में गाड़ दिया जमीन में और उससे आप भैंस बकरी बांध रहे हैं तो वो अब उसको लोग लकड़ी नहीं कहेंगे उसको कोई ये नहीं कहेगा यार लकड़ी देखो लकड़ी गड़ी हुई है ऐसा नहीं कहेंगे उससे हम कहेंगे खूंटा गड़ा हुआ है खूंटे से भैंस बंधी हुई है ना कि लकड़ी से भैंस बंधी हुई ऐसा कोई नहीं कहेगा क्योंकि उसका रूप बदल गया है उसमें विकार आ चुका है इसी तरीका से संधि में भी वर्ण आगम होता है आगम का मतलब है कोई आ जाता है दूसरा ठीक है मतलब एक व्यक्ति और आके बैठ जाता है आदेश का मतलब होता है किसी को हटा के दूसरा उसकी जगह बैठ जाना जैसे यहां ऊ की जगह वह बैठ गया तो ये आदेश है इसके अलावा विकार होना विकार होने का मतलब अभी हमने समझा ही दिया है जैसे लकड़ी से खूंटा बन जाना है दूध से दही बन जाना है ये सब विकार हैं। तो ये सब संधि है यानी इसको भी संधि कहेंगे इसके अलावा जो सर्वसम्मत सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सही परिभाषा है वो लास्ट में हमने लिखी है यही संधि की परिभाषा है ओरिजिनल असली परिभाषा यही है इसमें सब कुछ समायित है जितना हमने ऊपर बताया है वो सारा का सारा इसी संधि इसी परिभाषा में समायित है ये हमारे संस्कृत व्याकरण का सूत्र है सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता इसका मतलब हुआ कि संधि का एक दूसरा नाम और होता है और वो है संहिता संहिता संधि का दूसरा नाम है मान लो सवाल आ जाता है कि संधि का अपर नाम क्या है तो उत्तर होगा संहिता ठीक है संयोग संहिता तो यहां पर है संहिता ठीक है अब इसका अर्थ क्या है सुनिए इसका अर्थ है कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं मतलब समझे वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम क्या कहते हैं बच्चों संधि कहते हैं अत्यधिक समीपता कैसे होगी मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको देखिए जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण दूसरा लेके अनु देखिए वर्णों की अत्यधिक समीपता मतलब दो वर्णों के बीच में व्यवधान नहीं हो किसी का उनमें निरंतरता हो यही समीपता है ठीक जैसे यहां पर हमने लिखा अनु धन आय है यहां पर अनु में ऊ है देखो ऊ और इधर हमारा ए है अब इन दोनों के बीच में कोई भी व्यवधान आपको दिखाई नहीं दे रहा है बताइए कोई व्यवधान है क्या नहीं है ऐसी कंडीशन जब होगी तो इसको हम कहेंगे अत्यधिक समीपता क्या कहेंगे अत्यधिक समीपता अब इनको हम जैसे ही मिलाएंगे तो यहां पर कुछ विकार उत्पन्न होगा उसी का नाम संधि कहलाएगा तो यहां पर हमारा नियम होता है कि ये ऊ है और बाद में असमान स्वर मिलता है तो ऊ आपका वे में बदल जाता है यह हमारी संधि है बच्चों कौन सी है संधि इस तरीका से यहां पर हमारा अन्वय बनता है अन्वय है। अभी हम पढ़ेंगे संधि तब आपको यह सब समझ में आ जाएगा तो इस तरीका से वर्णों का क्या होता है ये सामीप्य होता है अत्यधिक समीपता किसकी वर्णों की तो समझ में आ गया वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं ये अर्थ है हमारे इस सूत्र का पर सन्निकर्ष संहिता मान लो एग्जाम में आ जाए परह और यहां पर खाली जगह दे दें तो आपको समझना है कि सन्निकर्ष का मतलब वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या होती है संहिता संहिता का मतलब संधि है आप यहां सं... संधि भी कर सकते हैं ठीक है या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है ऐसा भी सवाल बन सकता है वर्णानाम अतिशयम निकटता या सामीप्यता भवती मतलब क्या होती है तो आपको जवाब देना होगा संहिता या संधि यानी या तो संहिता कहेंगे उसको हम या फिर उसको हम संधि कहेंगे तो इस तरीका से हमने यहां देखा कि संधि जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति क्या है संधि की परिभाषा क्या है हमने इसको अच्छे से आपको क्लियर करने का प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वास्तव में संधि होती क्या है अब आगे एक सवाल आता है इसमें से बच्चों संधि के प्रकार से रिलेटेड उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि संधि के प्रकार तीन होते हैं कि पांच होते हैं चलिए इसको हम आगे समझते हैं इसको आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए इसको हम अच्छा, मिला, दोस्तों मिला दोस्तों आगे चलते हैं अब हमारा जो सवाल आता है एक संधि के प्रकार या संधि के भेदों से रिलेटेड आता है जैसे आगे मान लो संधि भेदाह कति संधि भेदाह कति संधि के भेद कितने होते हैं या संस्कृत व्याकरण में संधि कितने प्रकार की होती है इस तरह का हमारा सवाल आ सकता है अब इसमें जवाब हम क्या देंगे सुनिए देखिए मित्रों मैं आपको बता दूं इसमें आपके संधि के तीन प्रकार भी होते हैं और पांच प्रकार भी होते हैं अब ये तीन और पांच का क्या फंडा है वो सुनिए आप सबसे पहले तो तीन प्रकार जो होते हैं ये होते हैं हमारे लघु सिद्धांत कौमदी के अनुसार आपने लघु सिद्धांत कौमदी का नाम सुना होगा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के तीन प्रकार होते हैं लघु सिद्धांत कौमदी में हमारे जो वरदराज आचार्य जी हैं उन्होंने संधि के तीन प्रकरण बनाए टोटल बस यानी कि संधि को उन्होंने तीन जगह डिवाइड किया कौन कौन से विभाग किए उन्होंने देखे संधि के मैं तीन विभाग बता रहा हूं यहां पर उन्होंने बताई संधि संधि अचसंधि संधि का मतलब होता है बच्चों स्वर संधि क्या होता है स्वर संधि ठीक है इसके बाद में नंबर दो पे बताई उन्होंने हल संधि हल संधि इसका मतलब हल संधि का दूसरा मतलब क्या हुआ व्यंजन संधि ठीक है ना व्यंजन और तीसरी है इसमें आपकी विसर्ग संधि विसर्ग संधि ये हमारे तीन प्रकार है संधि के ठीक है जो लघु सिद्धांत कौमदी में बताए गए हैं तीन प्रकार और हम अक्सर इन्हीं को पढ़ते हैं और यही आपने अब तक देखे होंगे यही आपने पढ़े होंगे अच्छ संधि का मतलब होता है स्वर संधि स्वर इसमें हमारे स्वर जो होते हैं वो दोनों तरफ मिलेंगे आपको मतलब स्वरों का इसमें मेल स्वरों के साथ ही होगा तभी तो इसको हम स्वर संधि कहते हैं इसके बाद में है हल हल का मतलब होता है बच्चों व्यंजन तो व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है व्यंजनों का मेल होगा व्यंजनों के साथ और स्वरों के साथ मतलब व्यंजनों का मेल स्वर और व्यंजन दोनों के साथ हो सकता है यही व्यंजन संधि है तीसरी इसमें विसर्ग संधि है विसर्ग संधि में क्या होता है विसर्ग के स्थान पर काम होता है जैसे विसर्ग को स बन जाता है कभी कभी विसर्ग का विसर्ग बन जाता है कभी विसर्ग का लोप हो जाता है कभी विसर्ग का बन जाता है कभी विसर्ग का स बन जाता है ये सब काम जो होते हैं ये विसर्ग संधि के काम है बच्चों तो ये सबके सब काम हमारे विसर्ग संधि में होंगे और ये सब हम पढ़ेंगे तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के हमारे तीन भेद होते हैं कितने भेद होते हैं भैया तीन अब आप वैसे आपके एग्जाम को देखा जाए बीएसटीसी की एग्जाम को तो लघु सिद्धांत कौमदी से ऊपर आपका सवाल नहीं आ सकता है क्योंकि लघु सिद्धांत कौमदी एक काफी स्टैंडर्ड लेवल की हमारी व्याकरण तो है देखते हैं हम है? इसमें जो पांच संधि के प्रकार की बात चले कि संधि हमारे पांच प्रकार की होती है आपने भी पढ़ा होगा पंच संधि प्रकरणम ठीक है पंच संधि या संधि पंच धा ऐसा आपने भी पढ़ा होगा कभी देखा होगा तो ये पांच हमारे जो प्रकार हैं संधि के ये व्याकरण सिद्धांत कौमदी में आपको मिलेंगे अन्यत्र आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे पांच प्रकार ठीक है अब भैयाकन्द सिद्धांत के रचनाकार कौन जी जी। तो जी जी है उन्होंने बनाए के। तो नाम देख लो एक का। सबसे पहले अच्छ संधि का नाम आपको मिलेगा इसके बाद में अच संधि से रिलेटेड एक संधि है प्रकृति भाव ठीक है इसके बाद में हल संधि है मतलब व्यंजन संधि है इसके बाद में विसर्ग संधि है ठीक है विसर्ग संधि और पांचवी और लास्ट संधि है स्वादि संधि क्या है स्वादि संधि अब आप देखेंगे यहां पर देखिए प्रकार कितने हो रहे हैं हमारे तो आप देखेंगे अच संधि हो गया प्रकृति भाव हो गया हल हो गया विसर्ग हो गया और संधि हो गई ऐसे करके यहां पर जो पांच प्रकार आप देख पा रहे हैं ये पांच प्रकार बताए हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमदीकार भट्टोज दीक्षित जी ने तो अब आप देखेंगे था सिद्धांत कौमदी के अनुसार तो आपको पांच प्रकार बताने हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमदी सिद्धांत कौमदी के अनुसार और हमारे लघु सिद्धांत कौमदी के अनुसार तीन प्रकार हैं तो इस तरीका से बच्चों यहां पर आप समझ गए होंगे कि संधि के हमारे कितने वेद होते हैं लघु सिद्धांत कौमदी के अनुसार हमने बता दिया व्याकरण सिद्धांत कौमदी के अनुसार हमने बता दिया अब सवाल आता है कि एग्जाम में यदि सवाल आता है तो उसमें हम क्या करें बिल्कुल अब इसमें देखिए दोस्तों आपको यहां पर तीन ही ध्यान में रखना है क्योंकि सिद्धांत कौमदी काफी अपर लेवल का मामला है आपको लघु सिद्धांत कौमदी के आधार पर ही जवाब देना है तीन संधि हम पढ़ते हैं आपको किताबों में तीन ही संधि मिलेंगी आपके लेवल की में तो आपको तीन जवाब देना होगा यदि ऑप्शन में तीन नहीं है तो पांच होगा तो ऑटोमेटिक पांच करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि दोनों ही ऑप्शन में है तब भी आपको तीन ही करना होगा ठीक है बच्चों तो इस तरीका से ये हमारा संधि भेद वाला मामला क्लियर हो जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों आपके दिमाग चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं अब हम यहां पर आपको सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बताएंगे देखिए टॉपिक डाल लीजिए आप स्वर संधि ही ये हमारा टॉपिक रहेगा अगला लिख लीजिए आप स्वर संधि ही स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि अच संधि ठीक है अच संधि लिख लेंगे सभी स्वर संधि मतलब अच संधि अच का मतलब हमने आपको पहले भी बताया अच का मतलब होता है स्वर क्या होता है स्वर ठीक है अब स्वर में हमारे क्या आएंगे देखो आ, ए, उ, री, री, ए, ओ, आ, आ, ये हमारे क्या है बच्चों स्वर हैं यानी स्वर संधि के अंदर आपको केवल यही वर्ण मिलेंगे इन्हीं का आपस में मेल होगा आपस में इन्हीं को हम मिलाएंगे यही स्वर संधि होती है यानी कि जैसे हम संधि में संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है इससे पहले इधर भी आपका स्वर मिलेगा और इधर भी स्वर मिलेगा तो दोनों तरफ आपको स्वर मिलेंगे इन स्वरों में आपस में हम मेल करेंगे इनको आपस में हम मिलाएंगे उसी का नाम स्वर संधि होगा उसी का नाम आपका अच संधि है ऐसे आपको समझना है अब देखिए दोस्तों इसमें हम सबसे पहले यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे तो आप टॉपिक डालेंगे एक नंबर संधि यण संधि स्वर संधि के अंदर सबसे पहले हम यण संधि पढ़ेंगे तो सभी टॉपिक डालेंगे अपना अपना यण संधि देखिए यण संधि के बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको हम बहुत आसान तरीका से आपको समझाएंगे हर संधि को मैं बहुत ही सरल तरीका से बताऊंगा यदि आपने हमारा वीडियो देखा अच्छे से सुना तो मैं गारंटी देता हूं कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा और आपको अच्छे से एकदम क्लियर भी हो जाएगा देखिए संस्कृत व्याकरण के अंदर हमारे सूत्र होते हैं कुछ तो यण संधि का सबसे पहले हम सूत्र आपको बता रहे हैं सूत्र है एक णअची ये हमारे यण संधि का सूत्र है बच्चों क्या है सूत्र एकोयची सूत्र है मान लो सवाल भी आ जाए कि यण संधि विधायक संधि विधायक सूत्र कौन सा है तो जवाब देना होगा एकोयची ये हमारा सूत्र है अब सूत्र का मतलब क्या है वो आप लिख लेंगे सभी सूत्र का मतलब है एक के स्थान पर यण आदेश होता है एक के स्थान पर यण आदेश होता है बाद में असमान स्वर हो तो असमान स्वर बाद में असमान स्वर होने पर देखना बाद इसमें तीन चीज है एक यण और असमान स्वर यह कह रहा है सूत्र के एक के स्थान पर एक, एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है यदि बाद में असमान स्वर मिले तो अब ये तो अर्थ हो गया अब इसको मैं क्लियर करता हूं अभी आपके क्लियर नहीं हुआ होगा इतना आप लिखो एक बार अभी अब मैं इसको स्पष्ट करता हूं यहां देखिए इस जगह क्या है? एक में चार वर्ण आएंगे ई री और री इन चारों वर्णों का नाम एक है क्या नाम है इनका एक इन चारों वर्णों का नाम एक है अब एक में चार वर्ण होते हैं सेम यण के अंदर भी चार वर्ण होते हैं तो हमने कहा कि एक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा संधि के अंदर एक के जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं इन एक के वर्णों के स्थान पर यण हम कर देते हैं यानी यण वर्ण हो जाते हैं इ के स्थान पर इसमें ये आदेश हो जाता है ऊ के स्थान पर वे आदेश हो जाता है री के स्थान पर रे आदेश हो जाता है और रि के स्थान पर ले आदेश हो जाता है ठीक है लेकिन हमने कहा कि भाई कब होता है इसकी एक शर्त है कब बाद में असमान स्वर होने पर बाद में बाद में असमान स्वर होने पर यही हमारे इस सूत्र का सही अर्थ है देख लीजिए आप एक के स्थान पर यण होता है तो यह तो हो गया हमारा एक आप यहां लिख सकते हैं वाली एक ठीक है और ये हो गया हमारा यण ऐसे देख लीजिए आप अच्छे से समझ लो आप ये हमारा क्या हो गया देखो ऐसे आप कर लीजिए भले इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके देख लीजिए देखो बच्चों एक तो है ये एक में हमारे चार वर्ण हैं यण में हमारे चार वर्ण हैं इस ई के स्थान पर हमारा ये हो जाएगा यहां ई जो छोटी दिख रही है यहां बड़ी ई भी आ सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी हमारा काम यही होगा यहां पर ऊ है तो बड़ा ऊ आ सकता ये रश्व है यानी कि यह रस्व है दीर्घ भी आएगा तब भी वह होगा ये रि का दीर्घ भी हो सकता है रे ही होगा या रि का दीर्घ कभी होता नहीं है तो इससे आगे मिलेगा नहीं आपको तो लि के स्थान पर ले होगा बाद में असमान स्वर मिलना चाहिए यही हमारी संधि है यण संधि ठीक है बच्चों मैं एक उदाहरण समझाता हूं देखो हमने लिखा अनु धन आय है ये जो हमारा संधि विच्छेद है इसमें समझो आप मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको यहां एक ढूंढे एक एक यदि मिल रहा है और बाद में यहां पर देखो ये बाद का मतलब ये है हमारा इस जगह पर यदि आपको असमान स्वर मिल रहा है असमान का मतलब है बच्चों इधर जो वर्ण मिल रहा है इधर तो इधर हमें क्या मिल रहा है ऊ मिल रहा है क्या मिल रहा है ऊ अब ऊ हमारा आगे नहीं होना चाहिए बस यदि इधर ऊ है और इधर भी आपको ऊ मिल गया तो ये असमान नहीं कहलाएगा ये समान कहलाएगा तो समान की स्थिति में संधि बदल जाएगी हमें तो समान चाहिए तो यहां पर हमारा क्या है ए है आप देखो इधर ऊ है इधर ए है तो ये एक दूसरे से असमान हो गए मतलब एक जैसे नहीं है ये अलग अलग हो गए अलग अलग ही हमें चाहिए तो ऊ के स्थान पर अब हम क्या कर लेंगे आप इस चार्ट को देख लीजिए ऊ के स्थान पर हम वे करते हैं कब करते हैं बाद में असमान स्वर होने पर तो बाद में हमें असमान स्वर यानी कि ऐ मिल रहा है केवल आपको ऊ के स्थान पर वे करना है इसको नहीं छेड़ना है तो अब देखो आप इस ऊ के स्थान पर वे कर दीजिए तो ऊ के स्थान पर आपने वे कर दिया अब देखो इसमें से ऊ हट गया आपका ऊपर से देखो यही तो होगा इसमें से ऊ हटेगा तो ये हमारा हलंत हो जाएगा नियम यही है को तो हमने वे कर दिया डायरेक्ट वे लिख देता हूं ऐसे तो हमने ऊ हटा के क्या कर दिया का वे ये हमारा ऊ था ऐसे इसका हमने वे कर दिया अब हमारा नए हलंत दिखाई देगा आपको अब आप सोच रहे गया अरे ऊ का तो वे बन गया ना यार का तो वे बन चुका है तो आपको ऊ तो दिखाई देगा नहीं आपको वे दिखाई देगा अब इधर आपको आगे ए दिखाई दे रहा है यो की तो ही रहेगा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीका से आप उतार लेंगे अय ठीक है और इधर आप देखेंगे तो यहां पर देखो अ न ऐसे उतरेगा अन ठीक है ऊ कहां चला गया व्य बन गया अब इन सबको मिलाएंगे तो अनवय बन जाएगा आपका ये आधा न ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं और आधा व ऐसे लिखा जाएगा लेकिन आधे व में हमारा ये वाला ए मिल जाएगा आकर के ऐसे मिल गया और फिर ये अनवय इस तरह से हमारा ये बनता है रूप तो अब बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं और समझ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे तो ये हमारी यण यण संधि संधि है यनसंदी में सबसे पहले आपको एक देखना है ई री री इनमें से कोई है क्या और बाद में असमान स्वर देखना है इनके जैसा नहीं होना चाहिए बाद वाला स्वर अलग होना चाहिए चाहे कोई भी हो स्वर बहुत सारे हमारे पास उनमें से कोई भी हो लेकिन इनमें से नहीं होना चाहिए यदि इधर आपको ई मिल रहा होता तो ई नहीं होना चाहिए आगे इधर आपको ऊ मिल रहा है तो आगे ऊ नहीं होना चाहिए इधर आपको री मिल रहा है तो इधर री नहीं होना चाहिए इधर आपको री मिल रहा है तो इधर आपका री नहीं होना चाहिए यही आपको समझना है क्लियर बच्चों इतना लिख लीजिए अब मैं आपको कुछ उदाहरण समझाता हूं इसके ठीक है ना लिखो मैं उदाहरण बताता हूं उदाहरणों से ही समझ में आएगा कि किस तरीका से इसमें हम बना सकते हैं देखिए अब मैं आपको यहाँ पर देखिए बच्चों ये सब के सब हमारे यण संधि के उदाहरण हैं हमने आपको अभी समझा दिया कि भाई एक-एक स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा यण हो जाएगा ई री और री एक में हमारे चार वर्ण आते हैं ई को तो यह हो जाएगा ऊ को हमारा व हो जाएगा री को हमारा र हो जाएगा और ली को हमारा ल हो जाएगा ऐसे ये काम हमें करना है सारे उदाहरणों में और बाद में असमान स्वर होना चाहिए ये सब हम आपको हम बता चुके हैं सबसे पहला उदाहरण है हमारा देखो प्रतिधन एकम यहाँ पर प्रति में ई आ रहा है सबसे पहले आपको इधर ढूंढना है यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको इनमें से मिलना चाहिए ये वाली लाइन में से ऊपर वाली जो लाइन है इनमें से चारों में से कोई भी वर्ण मिलना चाहिए अब हमारा ई मिल गया तो आप ई को देखो क्या हो रहा है ये तो आप ये कर दीजिए और बाकी यू की तो मिला दीजिए तो देखो इस तरीका से बन जाएगा प्रत्यय आधा तय हो जाएगा ई को हटाएंगे तो और ये ई बदल गया ये में और ये हमारा आधा है अभी तो आधे ए में स्वर मिल जाता है आके तो ऐसे बन जाएगा ए कम ये हो गया प्रत्येकम कम बताइए कितना आसान है इसी तरीका से यहाँ सुधी है तो यहाँ पर दीर्घ ई है तो हमने कहा कि दीर्घ ई भी आ सकती है तो ई के स्थान पर यह करना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधा और ये भी आधा ठीक है ऐसे फिर उपास्य मिला दीजिए शुद्धिपास्य है इस तरीका से बन जाएगा शुद्धिपास्य बन गया यहाँ पर है यदि और अपि तो यदि में आप देखेंगे य और अपि इस तरीका से यद्यपि ये दे हमने अलग कर दिया है द को मिला भी सकते हैं इस तरीका से ऐसे लिखते ना विद्यालय में लिखते हो आप ऐसे इस तरीका से भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बात एक ही है ठीक है ऐसे तो यद्यपि हो गया इसी तरह इति है और आदय है तो यहां पर इति में ई तो को ये कर लीजिए तो बन जाएगा इत्यादय इनमें कोई समझने में दिक्कत है तो आप बता देना हमें इसी तरह अव अभी है और उदय तो अभी में ई मिल रहा है ठीक है ई को ये कर लो तो बन जाएगा ई करते ही आपका ऐसे बन जाएगा देखो हमने के स्थान पर यह कर दिया ना अब इसमें उदय मिलाएंगे तो इस तरीका से मिलेगा फिर अभ्युदय मधुधन अरी है तो इसका बनेगा मध्वरि ही ऐसे एक समझ गए तो सब बन जाएंगे अनुय का बनेगा अनवय इस तरीका से अब ये वाले इधर वाले आपको बनाने हैं ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं ये मैं आपके लिए होमवर्क दे जा रहा हूं सुधन आगतम का बनेगा बच्चों स्वागतम ठीक है मैं ऐसे बोल के बता दूंगा पित्री धन इच्छा है तो पितरी में जो री है इस री को देखो आप री कहां मिल रहा है ये नहीं है ये नहीं है ये मिल गया ये री मिल रहा है आपको यहां तो री को आपको रे कर देना है तो री को आप रे बना लेंगे अब रे बन गया और ये तय बच गया तो तय और रे मिल जाता है आपको पता है तो त्रय बनता है त्रै त्रिशूल वाला तो आप यहां पर त्रय में मिलाएंगे इच्छा तो बनेगा पितृच्छा पितृच्छा ऐसे बनेगा देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको ऐसे पितृा इस तरीका से बनेगा ये रूप पितृा ठीक है सेम पितृधन आज्ञा है तो यहां री को रे बनेगा तो यहां ते और रे मिलके त्रा तो पित्राज्ञा अंश है तो पित्रंश है यहां पर लिरी आकृति है तो ली को ले बन जाएगा देखो यहां पर ले बन गया तो ले में आपको आकृति जोड़ना है तो लाकृति ही बन जाएगा ऐसे ल्री में आधार जोड़ेंगे तो ल्री को ले बनाएंगे पहले तो ले में आधार तो लाधार है लरी में आकार जोड़ेंगे तो लरी को हटा के लय बन जाएगा तो बनेगा लाकार है इस तरीका से आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो एग्जाम में कैसा भी उदाहरण आएगा आपका गलत नहीं होगा आपको सबसे पहले एक ढूंढना है एक में चार वर्ण ढूंढने ई उ री री ठीक है और बाद में देखना है कि इनके जैसा स्वर नहीं होना चाहिए इनके अलावा कोई भी स्वर हो तो चलेगा फिर आपको देखना है कि ई है तो ई को ये कर देना ऊ है तो वे कर देना री है तो रे कर देना री है तो ल कर देना है यही आपको समझना है संधि में बस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है एकदम आसान है यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा सुना होगा तो आप आराम से समझ गए होंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है इसमें कोई डाउट है आपको तो आप जरूर हमसे पूछें और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि हो सकता है उनको इससे और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है तो आपके एक शेयर करने से किसी का भला होता हो तो ये काम आप अभी करें तुरंत करें और जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि लगातार क्लासेज आपको तभी मिल पाएंगी दोस्तों तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना आगे क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे माता